गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्टेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सपोज ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन एंड P equals to Bij and cross P are two matrices. Okay, then the product AB equals to Cij M cross P. मीन्स ए और बी दो मैट्राइसिस दिए हमें, राइट। ए और बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब ए की कॉलम और बी का रो इक्वल हो। कॉलम ऑफ ए एंड रो ऑफ बी बोथ आर इक्वल, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज एग्जिस्ट, इट मीन्स इट्स डिफाइंड, राइट। ऑलवेज रिमेंबर first point, the product of matrices A and B is denoted by A B. Second, the number of columns of A and number of rows of B should to define AB. ठीक है, जैसे मैंने कहा number of columns of A and number of rows of B are equal, then AB is defined. Done. Third point, it is not necessary that if AB is defined, then BA is defined. It means ये ज़रूरी नहीं होगा कि ए बी अगर डिफाइंड हो रहा हो, ए बी का प्रोडक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो ज़रूरी नहीं बी ए का भी हो, क्योंकि बी ए के लिए हमें क्या चाहिए, तो बी की कॉलम और ए की रो इक्वल होनी चाहिए, तभी बी ए का भी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ ए एंड बी both are n cross n matrices means square matrices, jitni row utne hi column, then AB and BA both are defined, but it is not necessary that AB equals to BA. दोनों इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं, AB और BA दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल तब होगा जब A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होगी। स्क्वायर मैट्रिसेस मीन जितनी रो उतनी कॉलम, अगर A 2x2 है तो B भी 2x2 होना चाहिए, A अगर 3x3 मैट्रिसेस है तो B भी 3x3 मैट्रिसेस होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि AB का जो आंसर होगा प्रोडक्ट का वही BA का भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस भी कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस है, उसे हम प्रोडक्ट मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ
मल्टीप्लिकेशन, इसकी हम प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल्स टू बी आई जे एन क्रॉस पी, सी इक्वल्स टू सी आई जे एन क्रॉस पी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ओके, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। देखिए बी प्लस सी बी कब होगा, एडिशन कब होगा, जब दोनों मैट्रिसेस की रो और कॉलम सेम हो, ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अब इक्वल्स टू ए बी, ए बी कब होगा, ए की कॉलम और बी के रो इक्वल हो, तब ए बी का प्रोडक्ट होगा। ए सी का प्रोडक्ट भी कब होगा, जब ए की कॉलम और सी की रो इक्वल हो। डन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल्स टू बी आई जे एम क्रॉस एन एंड सी इक्वल्स टू सी आई जे एन क्रॉस पी। सो ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हुआ, फर्स्ट की तरह ही हमने किया है, बट यहाँ उसमें हमने ए इंटू बी प्लस सी किया था, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू सी कर रहे हैं, दैट्स इट। थर्ड एसोसिएटिव लॉ, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल्स टू बी आई जे एन क्रॉस पी, सी इक्वल्स टू सी आई जे पी क्रॉस क्यू, देन ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए एम क्रॉस एन है, बी एन क्रॉस पी है, तो ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, जब बी ए की कॉलम और बी की रो इक्वल होगी, राइट। ओके, और बी सी का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब बी की कॉलम और सी की रो इक्वल होगी, राइट। नाउ चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे दो मैट्रिसेस का। ए इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर, ओके, एंड बी इक्वल्स टू टू वन वन वन। ठीक है, दोनों देखिए कैसा है, ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिसेस है, दिस इज़ अ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, राइट। ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, यस, ए की कॉलम एंड बी की रो सेम है, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर इंटू टू वन वन वन। डन, चलिए फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को भी कैसे, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वन इंटू टू टू। अब सेकंड एलिमेंट के साथ होगा, फिर टू इंटू टू नहीं करेंगे आप, आ गई बात समझ में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ होगा, अगर थर्ड दिया होता तो हम उसे थर्ड के साथ करते, टू वन ज़ा टू। चलिए फिनिश, अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे, वन इंटू वन वन प्लस टू इंटू वन टू। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस फोर वन ज़ा फोर। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, थ्री वन ज़ा थ्री फोर वन ज़ा फोर। ओके, सो आंसर इज़ फोर थ्री टेन सेवन। डन, ए बी हमें मिल गया। ओके, और इसका जो आंसर आएगा ए बी का, वो ऑलवेज याद रखिएगा कि ए की रो होगी और बी का कॉलम होगा, उस फॉर्म में मिलेगा, समझिएगा।
ए बी का प्रोडक्ट देखने के लिए हम ए की कॉलम और बी की रो इक्वल होनी चाहिए, बट इनका जो आंसर जिस ऑर्डर में आएगा वो कौन से ऑर्डर में आएगा, तो ए की रो और बी की कॉलम। कंप्लीट? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल आर वन, प्रिंसिपल डायगोनल आर वन एंड the rest of them, the rest of them are zero. इसका मीनिंग क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल वन हो और बाकी के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो इस कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और इट्स कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय आई, ओके, कैपिटल आई। डन। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल्स टू वन वन वन, प्रिंसिपल डायगोनल हमने वन लिख दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो ज़ीरो। ये कौन सा मैट्रिसेस हुआ, थ्री क्रॉस थ्री, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई थ्री और आई थ्री क्रॉस थ्री। डन। फिर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ वन ज़ीरो ज़ीरो वन। ओके, ये टू क्रॉस टू मैट्रिसेस में हुआ, तो इसे हम आई टू भी लिख सकते हैं और आई टू क्रॉस टू भी। कंप्लीट? डन। ओके Now always remember first point, matrix A equals to Aij n cross n, then A into I, I के साथ आप कोई भी मैट्राइसिस को अगर मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी मैट्रिसेस को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर ऑलवेज हमें ए ही मिलेगा, जो भी मैट्रिसेस दिया होगा वही मिलेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू ए इक्वल्स टू ए होता है। ओके, डन। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, इफ के बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो देन के आई एन इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। ए इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल टू ज़ीरो 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 टू ज़ीरो 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 टू, तो इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डन। ओके, नाउ नोट्स, इफ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करने को कहे तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए, ए मैट्रिक्स इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे, आई बात समझ में? ठीक है, ए इंटू ए करेंगे। उसी तरह से अगर हमें ए क्यूब कहा हो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे, राइट? एन ऑलवेज ग्रेटर देन वन, स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ये जो ए की पावर है वो ऑलवेज ज़्यादा ही होगी। ओके,
a raised to 4, so a cube into a, and so on, a raised to n, so a raised to n minus 1 into a. Okay, complete, done. Thank you.